हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ऐसे 50 क्वेश्चन देखेंगे जो डिपार्टमेंटल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और संटिंग मास्टर के लिए है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रेलवे ELDC एग्जाम के लिए है, रेलवे विभागीय परीक्षा में है। परिचालन क्वेश्चन बैंक है और ग्रुप सी एंड डी स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके 1 से लेके 300 तक क्वेश्चन वीडियो बनाकर मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, उसमें जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 301 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। लिखा है क्रेन की जीभ इंजन की ओर होने पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? 40 KMPH होती है। अगला क्वेश्चन है, सचल सेक्शन में TSL के दौरान गलत लाइन से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी की गति 25 KMPH होती है, 25 KMPH रहेगी। सचल सेक्शन में TSL के दौरान गलत लाइन से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी की गति 25 KMPH रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन की मांग द्वारा की जाएगी, तो ये गार्ड द्वारा की जाएगा, गार्ड के द्वारा सहायता की जाए, ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन की मांग गार्ड द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन डॉट डॉट आग लगने पर और दुर्घटना की परिस्थितियों में डिटैच किया जा सकता है, तो ये है पुल की जाँच करने के लिए, पुल की जांच। पुल की जा आग लगने और दुर्घटना तीन परिस्थितियों में डिटेच किया जाएगा। ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन, पुल की जांच, आग लगने पर और दुर्घटना की परिस्थिति में डिटेच किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन अलग करने के पश्चात मिनट के में वापस आना चाहिए, तो ये 45 मिनट में वापस आना चाहिए। ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन अलग करने के पश्चात 45 मिनट में वापस आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACP होने पर लोको पायलट डार डार सीटी बजाएगा, तो ACP यदि होता है तो दो छोटी एक लंबी सीटी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट डार डार सीटी बजाएगा, तो ये बजाएगा दो लंबी और दो छोटी सीटी बजाएगा। गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट दो लंबी दो छोटी सीटी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड के द्वारा हैंडब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट डार डार सीटी बजाएगा, तो हैंडब्रेक लगाने के लिए तीन छोटी सीटी बजाएगा। गार्ड के द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट तीन छोटी सीटी बजाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकार की सेंटिंग मध्य रेलवे में प्रतिबंधित है, तो फ्लाई फ्लाई प्रकार की सेंटिंग मध्य रेलवे में प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर ट्रॉली परमिट नंबर TA1525 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VTO का उल्लेख डॉट डॉट में होता है, तो ये होता है SWR में होता है, स्टेशन संचालन नियमावली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन संचालन नियम बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होता है, DRM, मंडल रेल प्रबंधक। स्टेशन संचालन नियम बनाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी DRM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ सेटिंग डाटा विभाग के परिवेक्षण में की जाती है, तो ये परिचालन विभाग के द्वारा की जाती है, परिचालन ट्रॉफी विभाग, हाथ सेटिंग परिचालन विभाग के पर्यवेक्षण में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलान वाले स्टेशन पर सेटिंग करते समय इंजन आधार की होना चाहिए, मतलब ढलान की ओर होना चाहिए या उतार की ओर होना चाहिए, उतार या ढलान की ओर।
जिस तरफ ढलान हो उस तरफ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी गाड़ी में इंजन अधिकतम पेट्रोल टैंक लगा सकते हैं? तो पेट्रोल टैंक 4 लगा सकते हैं, सवारी गाड़ी में अधिकतम 4 पेट्रोल टैंक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी गाड़ी में अधिकतम विस्फोटक वाहन लगा सकते हैं? 2 वाहन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी में अधिकतम विस्फोटक वाहन लगाए जाते हैं? तो 5 वाहन लगा सकते हैं, मालगाड़ी में अधिकतम 5 विस्फोटक वाहन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी गाड़ी में चौपहिया वाहन लगाए जाने पर गाड़ी की गति 75 KMPH होती है? सवारी गाड़ी में चौपहिया वाहन लगाए जाने पर गाड़ी की गति 75 KMPH से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी गाड़ी के मार्शलिंग के नियम डॉट डॉट द्वारा बनाए जाते हैं? तो पीसीओएम द्वारा बनाए जाते हैं, पीसीओएम के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी सिग्नल रजिस्टर का नंबर दोहरी लाइन पर डॉट डॉट होता है? तो T/66B होता है। गाड़ी सिग्नल रजिस्टर का इंजन नंबर गाड़ी सिग्नल रजिस्टर का नंबर दोहरी लाइन पर T/66B होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी सिग्नल रजिस्टर का नंबर एकहरी लाइन पर T/137B होता है। गाड़ी सिग्नल रजिस्टर का नंबर एकहरी लाइन पर T/137B होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 322 भारतीय रेल अधिनियम का तात्पर 1989 के भाग 24 से है। भारतीय रेल अधिनियम का तात्पर 1989 के भाग 24 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात फाटक वे होते हैं जो स्टेशन के डॉट डॉट बीच स्थित होते हैं? तो वाहेतम रोक सिग्नलों के बीच। वाहेतम रोक सिग्नलों वाहेतम रोक सिग्नलों के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स वैगन का लोड स्टेबल करते समय दोनों ओर से डॉट डॉट वाहनों के हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे? तो 6-6 हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे, 6 आगे 6 पीछे। बॉक्स वैगन का लोड स्टेबल करते समय दोनों ओर 6-6 वाहनों के हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुशिंग बैग की अधिकतम गति 25 KMPH होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी खराब होने पर गाड़ी की गति डॉट डॉट के एमपीएच से होती है? 25 और 8, 25-10। सीटी खराब होता है तो, अगर सतर्कता साफ है तो 25 KMPH, साफ नहीं, अगर सेक्शन साफ नहीं है तो 10 KMPH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल जोन एक क्लास स्टेशन पर प्रस्थान तथा डॉट डॉट सिग्नल के बीच का भाग होता है? एडवांस स्टार्टर, अग्रिम, प्रस्थान, अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के बीच का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लास स्टेशन पर एडवांस स्टार्टर ना हो तो डॉट डॉट सिग्नल ओवरलैप होता है? अगला पूरा ब्लॉक सेक्शन, अगला पूरा ब्लॉक सेक्शन। यदि ए क्लास स्टेशन पर एडवांस स्टार्टर ना हो तो अगला पूरा ब्लॉक सेक्शन सिग्नल ओवरलैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी डॉट डॉट मीटर होती है? तो ये होता है 400 मीटर। दोहरी लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी 400 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकहरी लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी डॉट डॉट होती है जब विरुद्ध दिशा में एडवांस स्टार्टर या SLV ना हो? तो ये हो जाता है 580 मीटर। एक गहरी लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी 580 मीटर होता है जब विरुद्ध दिशा में एडवांस स्टार्टर या SLV ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंटिंग कार के दौरान वाहेतम निकट तथा डाटा सिग्नल ऑफ नहीं किया जा सकता है?
तो अंतिम रोग सिग्नल सेंडिंग कार्य के दौरान वाहतम निकट तथा अंतिम रोक सिग्नल आप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लाइन से दूसरी लाइन पर पूरी गाड़ी सेंटिंग की जा रही हो तो डॉट डॉट ब्रेक यान में रहेगा गार्ड। जब एक लाइन से दूसरी लाइन पर पूरी गाड़ी सेंटिंग की जा रही हो तो गार्ड ब्रेक यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गिट्टी गाड़ी से गिराते समय अधिकतम गति होती है 8 KMPH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकेहरी लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी जब विरुद्ध दिशा में एडवांस स्टार्टर या एलबीएस ना हो तो 400 मीटर। एकेहरी लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी 400 मीटर होती है जब विरुद्ध दिशा में एडवांस स्टार्टर या एसएलबी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री गाड़ी सामान्यता में कार्य करेगी दिन में करेगी। सवारी गाड़ी को रात में कार्य करना हो तो डॉट डॉट की अनुमति ली जाएगी डीआरएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री गाड़ी पर कार्य करते समय गार्ड के पास नियमित स्टोर के अलावा भी होना चाहिए तो प्रथमोपचारी पेटी, चार पेटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी गाड़ी पर कार्य करते समय गार्ड के पास नियमित स्टोर के अलावा प्रथमोपचार पेटी हुई होनी चाहिए। लोको पायलट को कार्य करने पर आने के डाट डाट घंटे पहले मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए, 8 घंटा पहले। लोको पायलट के पर्सनल स्टोर में चश्मे के 2 सेट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी बोर्ड लगा गेट सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर लोको पायलट दिन में 1 मिनट रात में 2 मिनट रुकने के पश्चात पार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगामी टावर वैगन की ब्लॉक सेक्शन में गति 8 KMPH होती है। अनुगामी टावर वैगन की ब्लॉक सेक्शन में गति 8 KMPH, टावर वैगन की अधिकतम गति 40 KMPH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी गाड़ी के गार्ड को गार्ड के रवाना होने के निर्धारित समय से डाट डाट मिनट पहले ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए, 30 मिनट। सवारी गाड़ी के गार्ड को गार्ड के रवाना होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के गार्ड को गार्ड के रवाना होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले ड्यूटी पर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनगरीय गाड़ी के गार्ड को गार्ड के रवाना होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ड्यूटी पर आना चाहिए। उपनगरीय गाड़ी के गार्ड को गाड़ी के रवाना होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ड्यूटी पर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीपी होने पर गार्ड को डॉट डॉट ओर से गाड़ी को देखते हुए आगे की ओर जाएगा तो बाई ओर। एसीपी होने पर गार्ड गाड़ी के बाईं ओर से गाड़ी को देखते हुए आगे की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीपी होने पर सहायक लोको पायलट गार्ड गाड़ी के दाईं ओर से गाड़ी को देखते हुए पीछे की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन में कार्य करते समय सामग्री गाड़ी का बचाव डॉट डॉट विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, इंजीनियरिंग ब्लॉक सेक्शन में कार्य करते समय सामग्री गाड़ी का बचाव इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री गाड़ी का बचाव करते समय बैनर फ्लैग अवरोध से डाट डाट मीटर की दूरी पर लगाया जाता है तो 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 5 बॉक्स बैगन की सेंटिंग की इंपैक्ट गति 2 KMPH होती है। इस तरह से 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।